हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम का शेड्यूल है वो भी आ चुका है, और अगर आप जो आपका एग्ज़ाम का सेंटर है वो देखने के लिए बोर्ड ने जो है कि अधिसूचना जारी की है, तो आपको इंटीमेशन मिल जाएगा कि आपका जो सिटी है, आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो कहाँ पड़ा है। और एग्ज़ाम के 4 दिन पहले फ्रेंड्स जो है कि एडमिट कार्ड निकलेगा। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि जो जो एग्ज़ाम सेंटर है वो कहाँ पड़ेगा, और अगर आपका इस फेस में नहीं पड़ेगा तो इसमें आपको क्या जो है कि देखने को मिलेगा, क्या आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपका नेक्स्ट जो आपका एग्ज़ाम पड़ेगा वो कब तक पड़ेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप डालेंगे, यहाँ पे नीचे देख लीजिए रजिस्ट्रेशन नंबर। फिर आप यहाँ पे अपना जो है कि पासवर्ड डालेंगे, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वहाँ पे डालेंगे। चलिए मैं आपको डाल के दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लॉगिन किया तो मुझे लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे देखिए लिखा आ रहा है कि प्रिय उम्मीदवार, आप वर्तमान चरण में निर्धारित नहीं हैं, कृपया RRB से अधिसूचना की प्रतीक्षा करें। तो यहाँ पे दे रहा है कि अभी आपका जो एग्ज़ाम जिनका इस फेज़ में पड़ा है उनको ही सिर्फ दिखाएगा कि उनका एग्ज़ाम का सेंटर कहाँ पड़ा है, और जिनका एग्ज़ाम का सेंटर इस फेज़ में नहीं पड़ा है तो उनको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी कि डियर कैंडिडेट, यू आर नॉट शेड्यूल्ड इन द प्रेजेंट फेज, प्लीज़ वेट फॉर इंटीमेशन फ्रॉम RRB। तो आप कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो गाइस, अगर आपको भी ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है तो आपको ये जानना होगा कि आपका एग्ज़ाम इस फेज़ में नहीं पड़ेगा, नेक्स्ट फेज़ जो आपका होने वाला है उसमें आपका एग्ज़ाम पड़ेगा। तो गाइज, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि ये वीडियो अगर उनके लिए हेल्पफुल हो तो उनको भी जो है कि कुछ